हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ बटर गार्लिक चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ले लिया है बोनलेस चिकन। ये देखिए, मैंने इसे छोटा छोटा कट कर लिया है और इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक छोटा चम्मच इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नस्टार्च या फिर कॉर्नफ्लावर। इसके बाद इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम अभी साइड में रखेंगे। इसके बाद हम गैस पर एक पैन रखेंगे। इसमें हम गरम करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है और इसमें इस चिकन के पीसेस को हमें फ्राई करना है। जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, इन पे प्यारा सा कलर नहीं आ जाता, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए, एक साइड से जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इन्हें फ्लिप कर दें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे कुक होने में, क्योंकि ये बोनलेस है और छोटे छोटे पीसेस हैं, तो जल्दी से ये कुक हो जाते हैं। ये देखिए, इस पर दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इन सबको निकाल लूँगी और इसी तरह से जो बाकी के हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम पैन में गरम करेंगे बटर। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून लिया है बटर। और इसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन 2 छोटे चम्मच। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसे हम 30 सेकेंड्स के लिए सौते कर लेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो मैंने लो टू मीडियम पे रखा हुआ है। ये देखिए, मैंने इसे यहाँ पर 30 सेकेंड्स के लिए सौते कर लिया है लहसुन को। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस 1 छोटा चम्मच। मिक्स करेंगे इसे हम। गैस का फ्लेम मैंने लो पे रखा है। इसके बाद हम ले लेंगे एक बोल में 1 छोटा चम्मच कॉर्नस्टार्च या फिर कॉर्नफ्लावर। इसमें हम 1/3 कप या फिर 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी आपको नहीं ऐड करना, बस हल्का सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसे हम और इसे हमें 2 मिनट के लिए पका लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे 2 मिनट के लिए पकाया है। इसके बाद इसमें डाल देंगे फ्राइड चिकन के पीसेस और इसके साथ ही इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच और आधे नींबू का रस हम इसमें ऐड कर देंगे और सॉल्ट भी ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्रस्ट में आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।